हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 51 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हुए लास्ट तक जाइएगा। एक भी क्वेश्चन बीच में स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कॉन्सिस्टेंसी डेली बेसिस पे बनाए रखिए एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। मैंने थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज कराया हुआ है। एंड दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसका भी प्रैक्टिस हुआ है। इंग्लिश हिंदी दोनों में 79 ऐसी वीडियोज का प्रैक्टिस कराया गया है। पूरे चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का बीपीएससी टीआई 2 में जो जहाँ का प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआई 2 का, वहाँ पे सभी 79 वीडियोज आपके मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी में। एंड मैं 2024 के बैच का ये 64वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज की क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल डाइम क्यों प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आपने एक सही आंसर टिक कर दिया होगा। आईओसी की स्थापना किसने किया था? तो 23 जून 1894 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने किया था। ओलंपिक फ्लैग का डिजाइन यानी ओलंपिक झंडा को डिजाइन किसने किया था? तो 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने किया था। और ओलंपिक फ्लैग को सबसे पहले फहराया गया था 1920 एंटवर्प में। तो ये दोनों तो आपके कट गए, ठीक है। इस प्रकार कार्ल डाइम क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, मशाल दौड़ की शुरुआत करने के लिए कार्ल डाइम जो है वो प्रसिद्ध है। सबसे पहले मशाल दौड़ की शुरुआत 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल दौड़ की शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत कार्ल डाइम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा। तो हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, FIG किस खेल की फेडरेशन है? तो दोस्तों, FIG यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1881 लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो यह जिम्नास्टिक से का फेडरेशन है। FIG के अंतर्गत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक एंड रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैरिंग्स किस तंत्र का भाग है? लैरिंग्स यानी जो कंठ होता है, स्वर यंत्र जिसे कहते हैं, जहां से हमारा बोली निकलता है, वो जो है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, ठीक है। याद रखिएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, श्वसन तंत्र का। एंड नेक्स्ट है, किसी अंग का अधिक प्रयोग होने पर उस अंग को हड्डियों में बाल आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ये ओवर यूज इंजरी है, लेकिन जब यही बॉल या लाइन जो फ्रैक्चर होता है मेटाटार्सल हड्डी, पैर के टखने के मेटाटार्सल हड्डी में होती है, तो उसे हम मार्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशीय संकुचन के दौरान यानी कैल्शियम आयंस जो होता है, मांसपेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम आयंस को कौन सा प्रोटीन अपनी तरफ आकर्षित करता है? तो दोस्तों, जब एक्शन पोटेंशियल जो है मसल्स में आते हैं, उस दौरान जो है कैल्शियम आयंस जो है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहता है, तो जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो जो आपका ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन नेगेटिव चार्ज के साथ रहते हैं यानी कि अनचार्ज रहते हैं, इस कंडीशन में जो एक्शन पोटेंशियल के आते ही
कैल्शियम आयंस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलने लगते हैं और जो है जो अनचार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ रहते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जो ट्रोपोनिन होता है कैल्शियम आयंस को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। यहाँ पे ट्रोपोनिन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुल्हे की हड्डी का वह कौन सा भाग होता है जहाँ फीमर का सिरा फंसा रहता है। तो दोस्तों फीमर का सिरा जहाँ पे फंसा रहता है कुल्हे की हड्डी के साथ, उस भाग को कहते हैं एसेटाबुलम। ठीक है, और जबकि जो हमारा जो ह्यूमरस हड्डी होता है कंधे वाला, कंधे के भाग में जुड़ा रहता है, उस गड्ढी को ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर के अंगों के मापन किया जाता है, जैसे स्टेरियोमीटर, डायनेमोमीटर, मैनोमीटर, गोनियोमीटर, ये सभी चीजें आपके एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट फूड किस भोज्य पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड जो है हमारे मिल्क यानी कि दूध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी ओब्राइन नामक टेक्निक का संबंध किस स्पर्धा से है। तो दोस्तों पेरी ओब्राइन, जैसे कि आपका ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, पेरी ओब्राइन, डिस्कोपट, ये सभी शैलियाँ जो हैं वह शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक की टेक्निक है। तो पेरी ओब्राइन जो है शॉर्ट पुट की टेक्निक है। ठीक है, प्राचीन शैली शॉर्ट पुट को ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, फिर पेरी ओब्राइन, अब वर्तमान में जो आधुनिक शैली है डिस्कोपट, जिसको घूम करके पीछे से फिर आगे फेंकना होता है। तो यह आपका डिस्कोपट की खोज अलेक्जेंडर बेरी सिकिनो ने रूस के थ्रोवर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी एरिया का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों पेनाल्टी एरिया का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, पेनाल्टी एरिया का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के संबंध में स्कोप ऑफ द स्टडी किसे कहा जाता है। शोध के संबंध में स्कोप ऑफ द स्टडी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शोध में उस बिंदु को क्या कहते हैं जो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं होती है। तो दोस्तों शोध में उस बिंदु को क्या कहते हैं जो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च किसे कहते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च कहा जाता है साइनोफिस को। नेक्स्ट है, साहित्य यानी लेक्चर जिसे शोध रिकॉर्ड यानी रिसर्च रिपोर्ट के दूसरे अध्याय में लिखा जाता है, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन नंबर घ, क्रिटिकल एलाइड लेक्चर, दो प्रकार के। नेक्स्ट है, उस शोध को क्या कहते हैं जो समाज के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जो शोध समाज के हित में ध्यान में रखकर किया जाता है उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलने में कौन सा तंत्र कार्य करता है। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है, स्वरयंत्र होता है, वहीं से आवाज निकलता है। तो वो स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स किसका भाग है, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो बोलने में कौन सा तंत्र कार्य करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, इनवर्ड रोटेशन किस अक्ष पर यानी एक्सिस पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बाई एक्सियल ज्वाइंट का उदाहरण है।
यूनिएक्सियल यानी कि एक अक्ष में गति, बाईएक्सियल दो अक्ष में गति, मल्टीएक्सियल दो से ज़्यादा अक्ष में गति होता है। तो यहाँ पे बाईएक्सियल यानी दो अक्ष में गति किसमें होता है? तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्डिलैटरल ज्वाइंट ऐसा है जो हमारे रिस्ट ज्वाइंट कलाई का जोड़ होता है, आगे पीछे दोनों तरफ गति होता है यानी दो अक्ष में यानी बाईएक्सियल गति यहाँ पे हो रहा है। और जो हिंज ज्वाइंट है ये यूनिएक्सियल गति है, एक ही दिशा में गति होती है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मल्टीएक्सियल गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं? जो पसलियां होती हैं दोस्तों, जो बीच में मोटी हड्डी होती है स्टर्नम, और दोनों तरफ 12-12 पसलियां जुड़ी होती हैं। 12 में से 7 पसलियों को टू रिब्स कहा जाता है, जो प्रत्येक अलग अलग स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। और जो 5 होती हैं फॉल्स रिब, तो फॉल्स रिब की संख्या कितनी होती है? 5 पेयर, दोनों तरफ 5-5। और जो फॉल्स रिब होती हैं 8वीं 9वीं 10वीं, 5 फॉल्स रिब्स में से 8वीं 9वीं 10वीं जो होती है स्टर्नम से जुड़ने से पहले ही तीनों आपस में जुड़कर तब स्टर्नम के साथ मिलती है। और 11वीं 12वीं जो आपके रिब्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं जुड़ती हैं, स्वतंत्र रहती हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा होगा। और इसीलिए 11वीं 12वीं को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तैरने वाली पसलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष किस देश के रहने वाले थे? तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो IOC के प्रथम अध्यक्ष थे श्री बाइक्लास, और वो कहाँ के थे? वो थे ग्रीस के, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी आपका विषम है, क्योंकि अन्य इसके माप हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी में जो फिजिकल एजुकेशन में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मीडियन को जेड से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ए आपका राइट है, इसको मीडियन को आपको यम से अंकित किया जाता है, बाकी आपका सही है। आर को कोरिलेशन, ए से मीन, आई से साइज ऑफ क्लास इंटरवल अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट, जो उंगलियों का जोड़ होता है वो किस में आता है? तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो हिंज ज्वाइंट होता है वो एक तल में गति होता है, एक ही दिशा में, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है। हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़ आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क क्या है? सही मिलान है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपका ख है कार्पल ज्वाइंट। तो कार्पल और टार्सस ज्वाइंट को ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कॉन्डिलैट जो दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ यानी कि आपका ख वाला आपका गलत है। ग है शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट दोनों बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ग राइट है। एंड दोस्तों घ है अटलांटो ओसीपिटल ज्वाइंट। तो अटलांटो ओसीपिटल ज्वाइंट जो होता है कॉन्डिलॉयड एलिप्सॉयड ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका राइट है। आपका विषम क्या है? कार्पल ज्वाइंट जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, जो यहाँ पे गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी की हड्डियाँ यानी कि क्रेनियल बोन जो 8 होती हैं उसके नाम दिया गया है, जिसमें से आपका फ्रंटल बोन 1 होता है 8 हड्डियों में, एंड पेराइटल जो है 2 होता है, टेम्पोरल 2 होता है। याद रखिएगा,
पैराइटल और टेम्पोरल खाली दो रहते हैं, सभी एक एक होती हैं। ऑसिपिटल भी एक होता है, स्फेनॉइड एक, इथेमॉइड एक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है फ्रंटल आपका, जबकि फ्रंटल एक होता है, तो यहाँ पे फ्रंटल दो दे दिया है, इसलिए आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, फ्रंटल एक ही होता है। उसके अलावा टेम्पोरल दो, पैराइटल दो, ऑसिपिटल एक, सब सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एमाइलेज कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लैक्टेज यह छोटी आंत से स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन जो होता है हमारे लार ग्रंथि से, मुख से लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, ठीक है। तो यानी एमाइलेज, लैक्टेज एंड टाइलिन तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट के पाचन करते हैं, जबकि यहाँ पे पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पाचन करता है। पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन जो है वो अमाशय यानी स्टोमस से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, राइट है। ए की कमी से एक्सोथैल्मिया, ये भी राइट है। डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, ये भी राइट है। अब बी वन की कमी से आपका बेरी बेरी होता है, पेलाग्रा नहीं होता है, पेलाग्रा बी थ्री की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पे ए विषम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1924 पेरिस फ्रांस में, 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में, 1908 लंदन ओलंपिक, ये तीनों के तीनों यूरोप महाद्वीप में संपन्न हुए, सभी के सभी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि 1964 टोक्यो जो है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी कि 1964 टोक्यो में पहली बार एशिया महाद्वीप में ओलंपिक आयोजित हुआ था, बाकी सभी यूरोप महाद्वीप में आयोजित हुए थे, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपका मतलब जो समझने के क्वेश्चन को क्षमता होगी जल्दी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1952 में रेसलिंग, यानी कि 1952 में रेसलिंग में कोई पदक जीता था, आप याद कीजिए 1952 में कौन पदक जीता था। तो आपको याद आ गया होगा कि 1952 में केरी जाधव जी जीते थे कांस्य पदक, पहली जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो ये आपका तो राइट है। एंड 2008 में शूटिंग में कौन जीता था? अभिनव इंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। और 2016 में जो है पीवी सिंधु बैडमिंटन में रजत पदक जीती थी, ठीक है, पीवी सिंधु रजत पदक जीती थी। और 2032 में तो फुटबॉल खेला ही नहीं गया था भारत की तरफ से, क्योंकि वो 1948 में भारत की तरफ से भाग लिया था। तो 1932 में जो है आपका विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि 1932 में जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, फुटबॉल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पॉमेल हॉर्स, पैरल बॉल, रिंग, ये सभी जो है पुरुषों की जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, जबकि बैलेंस बीम जो होता है वह महिलाओं की जिम्नास्टिक उपकरण है, ठीक है, महिलाओं की स्पर्धा है, बाकी सभी पुरुषों की है। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, पुरुषों की जिम्नास्टिक स्पर्धा 6 होती है और महिलाओं की 4। जिम्नेजियम जो जिम्नास्टिक यहाँ पे कराया जाता है, उस जिम्नेजियम हॉल की लंबाई चौड़ाई 60x30 मीटर होती है। पुरुषों के उपकरण होते हैं, वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया हुआ था, रुपवा हफलोपा, रू से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 और 4 होते हैं, जहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं जिम्नास्टिक वाले वीडियो को। ये सूत्र है फॉ सी वी, फ
फ्वा से हो जाएगा फ्लोर, वा से वॉल्टिंग हार, सी से सिमेट्रिकल वार या अनयूवल वार, वे से वेलेंसिंग बीम। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपका मूछापट, स्नेक एंड लैडर्स खेल को कहा जाता था, एंड चौगान जो है वो पोलो खेल को कहा जाता था। ठीक है, एंड पुगलिस्ट जो है बॉक्सिंग खिलाड़ी को कहा जाता है, जबकि यहाँ पे चेस गलत है। ठीक है, क्योंकि पचीसी जो है वो लूडो से संबंधित है, चेस से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों खो खो में एक रेफरी होता है, क्रिकेट में एक रेफरी होता है, बॉक्सिंग में एक रेफरी होता है, और फुटबॉल में भी एक रेफरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल गलत है, दो रेफरी नहीं होता है, एक रेफरी ही होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों एफ आई बी बी वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संघ है। फीटा जो है आर्चरी यानी धनु विद्या की है। फीडी जो है चेस की है, जबकि फेना आपका स्विमिंग एंड स्विमिंग फेडरेशन की फेडरेशन है, नेटबॉल की नहीं है। यहाँ आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से विषम क्या है? तो हड्डियों से रिलेटेड है। तो हमारे हड्डियों को 206 हड्डियां हैं, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल कंकाल में 80 होती हैं, जिसमें हमारा खोपड़ी में कपाल, स्कल बोन 29 होती हैं, मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रा काल में 26, वयस्क में 33, बच्चों में, और जो हमारा पसलियां होती हैं रिब्स 24 होती हैं, एक मोटी हड्डी स्टर्नम होता है, तो कुल मिलाकर के 80 हड्डियां होती हैं। और अपेंडिकुलर में अपर लिम और लोअर लिम आता है, अपर लिम में 64 हड्डियां, जिसमें दोनों हाथ, दोनों कंधे और इस जो हसुली होती है इसके क्लेविकल मिलाकर के, ठीक है, 64 हड्डियां होती हैं। और लोअर लिम में 62 हड्डियां होती हैं, दोनों पैर और हिप को मिलाकर के। ठीक, इस प्रकार अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे आप देखिए एक्सियल बोन 180 होती है, राइट है, अपेंडिकुलर में 126, दोनों मिला के 206 हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमरस हमारा जो होता है दोनों हाथों में एक एक होता है, यानी कि दो होता है, राइट है। और स्टर्नम जो हमारे वक्ष की हड्डी होती है, जो दो जिसमें दोनों तरफ पसलियां 12-12 जुड़ी होती हैं, ओनली एक होता है, तीन नहीं होता है, यहाँ पे ये गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ये सभी एज को ज्ञात करने की मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन नंबर घ है मेंटल एज, ए भी है, बट इसमें आपको मेंटल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है, आईक्यू एम ए बटस ये गुड़े 100, यानी कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज गुड़े 100, इसलिए यह थोड़ा अलग है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे प्ले इज लाइक थ्योरी, यानी खेल ही जीवन है थ्योरी किसने दिया? जॉन डीवी ने दी, ये आपका राइट है। एंड साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ये भी राइट है। सोशल थ्योरी एरिस्टोटल यानी अरस्तो ने दिया है, ये भी राइट है। जबकि रिक्रिएशन यानी मनोरंजन थ्योरी वेस्टसन ने नहीं दिया है। मनोरंजन थ्योरी किसने दिया था आप सबको पता है, बार बार ये रिपीट हो चुका है, गिरी पैट्रिक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम क्या है? तो दोस्तों एजी न्यूरॉन, दोराबजी टाटा, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बनाने में योगदान दिए हैं, और ओलंपिक में योगदान में भी ये भाग लिए हैं। एंड एस सी बग, हैरी क्रोबग जो आईएमसीए की स्थापना की भारत में 1920 में, ये भी ओलंपिक में प्रतिभाग करने में योगदान दिए हैं। तो यहाँ पे आपका पीएम जोसेफ आपका विषम हो जाएगा,
जो पीएम जोसेफ हैं, भारत के ओलंपिक में प्रतिभाग करने में कोई योगदान नहीं था, बाकी सभी का योगदान था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे विंड गेज जो है हवा की वेग को मापता है, विंड वांड गेज आपका हवा की वेग दिशा को मापता है, याद रखिएगा विंड गेज हवा की वेग को मापता है एंड स्पीड को, और विंड वांड जो होता है गेज वो हवा की दिशा को मापता है, और प्रेशर गेज हवा की दाब की मापता है। ये तीनों आप सेम है, जबकि मैजिक आई से क्या मापा जाता है? मैजिक आई से क्या मापा जाता है दोस्तों? ये दूरी को मापा जाता है, ठीक है। तो वायु, बाकी सभी वायु से संबंधित है और मैजिक आई आपका अलग है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन वाटर स्विमिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, ये तीनों का संबंध एंड्योरेंस यानी कि कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस से यानी सहनशीलता से है, ठीक है, सहनशीलता डेवलप होगा। जबकि शूटिंग जो है वो क्या है? शूटिंग जो है लाइट पार्ट है, यानी कि जो है ये आपका कम समय की गेम है, लाइट पार्ट है, ठीक है, और सब एंड्योरेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों हेरोडोटस जो है हिस्ट्री के पितामह है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु किंसुलॉजी के पितामह है, हेरियोडिकस जिसे डॉक्टर कर्नेडी भी कहा जाता है, ये खेल चिकित्सा के पितामह है, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के। जबकि माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है, माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और सभी जो है किसी न किसी के पितामह हैं, इसलिए वह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है विषम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एली, रिंग, प्लेटफॉर्म, इस सभी की सभी आपको जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं, जबकि टेन पेगिंग जो है वह इक्वेस्ट्रेन खेल से संबंधित है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देख रहा है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, ये फुटबॉल से ही संबंधित है, सुब्रतो कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है, बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल कप से संबंधित है, कोपा कप भी फुटबॉल कप से संबंधित है। लेकिन अंतर क्या है कि कोपा कप जो है वह फुटबॉल टूर्नामेंट, अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम है, बाकी सभी इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड, इसमें से द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, और बाकी सभी जो है खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में किया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में किया गया एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में किया गया एंड ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरू किया गया। लेकिन वर्तमान में कितना धनराशि दिया जाता है? जैसे कि मेजर ध्यान, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 91-92 से शुरू किया गया, लेकिन वर्तमान में उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और भारत में खेल में सर्वोच्च पुरस्कार, खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले को 25 लाख धनराशि, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य में 15 लाख एंड ध्यानचंद में 10 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे SBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में हुआ था, राइट है। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1920 चेन्नई मद्रास में हैरी क्रोबक के द्वारा किया गया, ये भी राइट है, ठीक है।
एंड एलएनसीपीई लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था, ये भी राइट है। बट NSNIS यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में हुआ था पटियाला में, इसलिए यहाँ पे यह गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर बीसम क्या है, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बीसम क्या है आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका देख सकते हैं कोलकाता, बेंगलुरु, गांधीनगर, इन तीनों में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कोलकाता में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिनके मुख्यालय 6 हैं, जिसके आपके दक्षिणी केंद्र, जैसे मैंने उसका ट्रिक बताया हुआ है, चंगाई से हो जाएगा चंडीगढ़, एंड गा से हो जाएगा गांधीनगर, ई से हो जाएगा इम्फाल, बंदी ब से हो जाएगा बंगलुरु, एंड डी से दिल्ली, अक से कोलकाता। तो यहाँ पे आपका 6 केंद्र हैं, जिसमें से दक्षिणी केंद्र बंगलुरु है, पूर्वी केंद्र कोलकाता, उत्तरी केंद्र चंडीगढ़, केंद्रीय में दिल्ली, पश्चिमी केंद्र गांधीनगर और उत्तर पूर्वी में इम्फाल है। तो दोस्तों यहाँ पे कोलकाता एंड बंगलुरु, गांधीनगर, तीनों की तीनों साई के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर हैं, जबकि जयपुर में नहीं है। ठीक है, जयपुर में कोई रीजनल सेंटर साई का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है मन्नार, सिलारो, सिलांग, इन तीनों में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, बट आपका दार्जिलिंग में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से विषम क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है केरी सिंह बाबू, बलबीर सिंह, रूप सिंह, लालसा बुखारी, चारों के चारों हॉकी खिलाड़ी हैं, चारों के चारों किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, लेकिन इसमें से जो है रूप सिंह जो है हॉकी के कप्तान नहीं बने हैं, जो ध्यानचंद के भाई थे, और सभी हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है। तो दोस्तों पूर्णिमा ट्रॉफी बैडमिंटन की महिला ट्रॉफी, राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, लेडी रतन टाटा हॉकी की राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, बेगम हजरत महल फुटबॉल की राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, जबकि राजकुमारी अमृत कौर एक संस्था है, जो राजकुमारी अमृत कौर जो है एक भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, इस प्रकार बाकी सभी जो है खेलों की राष्ट्रीय ट्रॉफी हैं, और जबकि राजकुमारी अमृत कौर जो है एक स्वास्थ्य मंत्री थी, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विषम क्या है, तो 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुआ था, 1948 लंदन, 1960 रोम, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड। यहाँ पे 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित हुआ था, उसके अलावा सभी यूरोप महाद्वीप में आयोजित हुए थे ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ये सभी के सभी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के भाग हैं, जबकि स्पीड जो है वो मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का भाग है, इसलिए स्पीड आपका राइट आंसर है। जैसे कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है, जबकि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्न में से विषम
क्या है? दोस्तों यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर लीन बॉडी मास को मापता है, वेट वाटर वेइंग मेथड ये भी जो है आपके लीन बॉडी मास को मापता है यानी भार को मापता है, एंड स्किन फोल्ड कैलिपर भी आपके लीन बॉडी मास को मापता है, ठीक है। लेकिन जो है ये बीएमआई जो है यह क्या करता है, बॉडी कंपोजिशन को मापता है, ठीक है। इस प्रकार वसा को मापने का सभी तरीका है, जो बीएमआई होता है आपको शरीर को बॉडी कंपोजिशन संबंधित भार को मानक रख के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन का अनुपात, जो किसी व्यक्ति का जो वजन है ऊंचाई के हिसाब से ठीक है या नहीं उसको ज्ञात करने का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करने का सूत्र होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 51 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन किया जाएगा सब लोग मिलकर के। और इसी तरह आप डेली बेसिस से बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक शेयर भी किए कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।